फ्रेंड्स, हम आ गए हैं गोयल फैमिली नोकझोंक के घर और इन्होंने हमें बर्बाद करके रखा है, पूछो ही मत। खातर आयो, मम्मी फोन दो। चाची, अब तो 200 लोगों में नाचोगी तुम? खुशियाँ नहीं, 200 लोग हो गए। 200 लोग, मैं तो सोच रही थी कम भी काम हो जाए, वही तो 200 लोग हो गए शादी में। तेरे क्या फालतू नोट लग रहे हैं, 200 लोगों में काम हो जाए, 400 लोगों में काम। अरे मतलब उसमें नहीं, कोरोना बहुत फैल रहा है इसलिए कह रही हूँ मैं। क्या करें अब, मुझे लग रहा है कोरोना फैल नहीं रहा होगा दिल्ली में, तभी ऐसा काम किया है। तुझे को ज्यादा कोरोना की टेंशन है, 50 बंदों की कर ले तो तेरे को कौन मना कर रहा है? बहन मैंने थोड़ी करनी है, तू अपने दो लोगों के साथ साथ ही रही हो पीछे पीछे। मैं तो भाई किसी को टच टूच ना करूंगी, दो लोगों में घुसियो ही मत ना। और क्या, मैं तो पागल थोड़ी, कोरोना इतना फैल रहा है। अरे भाग जागेगी, हमें चाय मिली तो मिलती नहीं है। गुल्लू नानू के साथ मस्ती, गुल्लू को गुल्ला सॉरी कर दे, सॉरी कर, चल सॉरी करो गुल्लू, सॉरी कर दे, सॉरी करो, सॉरी कर दे। अच्छा, कर खुश नहीं करेगी सरिता को, देख रही है सरिता कर तो रही है ऐसे करके। अरे चाची 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 गुल्लू कहाँ जा रहे हो? गुल्लू कहाँ जा रहे हो? ओहो ओहो, नानी का स्टाइल देखो गुल्लू। स्टाइल क्या करेगा, तेरी बेटी ने छल्ला तोड़ दिया हमारा। हो कितने का था? 150 रुपए का। तो 150 रुपए इसके पापा के अकाउंट में लिख दो। इसके पापा बहुत मोटा बैलेंस हुआ पड़ा है, कितने देंगे वो, कुछ माँ भी दे दे उसकी। मैं नहीं चाचा, एक काम करो अकाउंट नंबर ले लो, मैं इनका अकाउंट, इनका ना सारा अकाउंट मैं चलाती हूँ, आप मुझे बता दो कितना है, मैं ट्रांसफर कर दूंगी। करीब हो गया होगा 35,000 रुपए। 35,000 रुपए? तो तू क्या सोच रही है, छोटा मोटा बिल है गुल्लू? मैं सोच 5-7 हजार रुपए हुआ होगा। अरे तुम डूबी रकम ही दे दो, 5-7 ही दे दो तुम। चलो मैं इनको कहती हूँ ट्रांसफर करें। 5-7 हजार का 1% देंगे आपको, 1%। 500 रुपए? ये देख जाते सीधा शुभला मुंह खा रहा है पहले, वो कोने पे लगा हुआ। तो गुल्लू आ जा भैया, चाची आपके पीछे आएंगे। हाँ क्या कह रहे हो, आपको इतनी आजादी जो मिली हुई है, क्या मिली हुई है? आप जीन्स पहन लो, दादी ने इतने इतने घूंघट करवाए थे मेरे से, तो हम भी घूंघट कर ले। करो, ये तुम जीन्सों में घूम रही हो? तो चाची ऐसे थोड़ी होता है, एक बात बताओ, आपके साथ जैसा हुआ आप अपने बच्चों के साथ वैसा चाहोगे सलू को? मैं ये नहीं चाहूंगी, पर फिर भी कहीं कहीं मन में एक बात खटकती है। दादी बुआ ने जो करा, मन में थोड़ा थोड़ा खुटकता है। देखो खुटकता है, क्या करें। हाँ मतलब अब हम अपने बच्चों के बारे में ये भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल सच्चाई है ये, पर खटकता है, खटकता नहीं, ये सच्चाई है। अपने को ये लगता है कि भाई जब उसके साथ, जब मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार, हाँ एक बार पता तो उसको भी लगना चाहिए कि क्या होती है वो चीज। क्या करें, अपने बच्चों के बारे में ये वर्डिंग बोल तो नहीं सकते, बोल तो नहीं सकते ना। मन में फ्रेंड्स कहीं आते हैं, है। इन लोगों के भी मन में रहता होगा, किस किस के मन में रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 5 बजे का जाने का टाइम था और 4:10 यहीं पे हो गए हैं, और इस मैडम ये अभी नहा के आई हैं, इनका कोई दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। बूट से जरा ना टैग हटा दियो। देखिए ये वाली फाइल मुझे ममता ने दी थी, मैं टैग हटा दूंगी। मैं सोच रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि बूट्स मुझे जरा हैवी लग रहे थे, मैं सोच रही हूं ये देखिए पिछुए, देख 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 लिए बहन, नाइस, ज्यादा बूट्स चमक रहे हैं ना, और ये सुंदर लग रहे हैं पहन के, चल अच्छे लग रहे हैं। बहन दोनों बंद है अभी तो, लग गए ये देख, ऐसे जाएगी नहीं। आ गई हूं मैं घर पे, फोकस। और ये मेरे पैकेट्स थे कोरियर देने वाला, जो कि मैं देना भूल गई थी सुबह, कोरियर वाले भैया आए हैं, ये दिया जाता है कोरियर। हम आ चुके हैं घर पर और हमारी बिटिया रानी क्या कर रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सो रही है, देखते हैं। नो ना, नो ना, छोरा बाबू क्या हो गया भाई? मैं चुकी हूँ घर पर और आके मेरे घर का फैलावा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर जो थी उसको आना था, तो मैं फटाफट से, क्योंकि यार सुबह का टाइम होता है ना, उनको भी थोड़ा सा मेरा अच्छा टेप गिरी है, तो सुबह सबको टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो सुबह जल्दी आ जाती है ना, तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि रात को ही मंजवा लेती हूँ, ताकि सुबह यार उसको भी ठंड लगती है।
तो इस चक्कर में मैं फिर फटाफट से मम्मी के घर से आई और आज मैं लेके आई हूँ गुल्लू की बहुत सारी पिंस, उसके आउटफिट के हिसाब से जो भी मतलब हमारे रिचुअल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं ले आई हूँ हल्दी मेहंदी कॉकटेल इन सब के मैचिंग के लगाती तो वो है नहीं बट स्टिल मैं उसके लिए ले आई हूँ फिलहाल। और आके मैंने बहुत सारे काम किए, मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग था वो निपटाया, दो चार लोगों के बिल बनाने थे क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम है तो टिकटिंग भी बनती रहती है। तो अब तो टच वुड चीज़ें खुल गई हैं, तो चीज़ें खुलने की वजह से अब लोग भी कहते हैं ना आवागाही हो रही है हिंदी वर्ड, तो बस लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बस फटाफट सब। मेरे को भी अब हमारे पास 27, 28, 29, 30, 31 आई थिंक नेक्स्ट वीक जो है टुडे इज एक सेकेंड मंडे है फ्राइडे पता नहीं यश, हमारे पास भी मतलब 10-15 दिन है शादी के लिए। हम आए हैं गुल्लू को छोड़ने घर पे, तो ये गुल्लू के बैग में चल ओ वहाँ पे रखो वहाँ पे ठीक है। और मामा अच्छा गुल्लू को कपड़े तो दिला दो, मासी की शादी है हो गए गुल्लू के कपड़े तो किसने कहा है नहीं हुए? नहीं तुम तो गुल्लू को वो भी कर रहे थे, तुमने तो वो भी नहीं किया क्या? वो करते हैं ना मकर संक्रांति पे तो दिए तो है इसको कपड़े, तो वो तो मैंने दिखाया है ना लोगों को, ये दिखाया मैंने दिए हैं वो कपड़े। दिखाने से क्या होता है? तो ये दिखाने से ही तो होता है, पे करने से क्या होता है? नोट मैंने तो बोल दिया कि मैंने दिए, मैंने लोगों को ये बोला कि मैंने पैसे दिए। तू आता ब्लॉग बनता ये कहता कि गुल्लू ये करते तेरी मैं तेरे को मनाने आया हूँ। तो ये तो आपकी गलती है, ये बोलते ना मनाते हुए कि हाँ मामा की तरफ से आई है। मैं क्यों बोलती? अब मेरा बेटा आ गया, ओए बल्ले बल्ले ओए। बंसल जी आज किसी ने कमेंट किया है कि बंसल जी दिन पर दिन स्मार्ट होते जा रहे हैं, आज ये कमेंट आया है, तो आपके विचार में आप क्या कहेंगे? हो रहे हो? देखो फ्रेंड्स बंसल जी के यहाँ पे पिगमेंटेशन थी वो मतलब खत्म हो गई है पिगमेंटेशन, और बंसल जी दिन पर दिन बस थोड़ा सा वेट और कम कर ले तो बंसल जी तबाही लगेंगे। मैं दूध का क्या करूँ? बनाओ फिर, बनाओ मत गरम करके दे दो। चलो चलो आप आए तो देखा हमने क्या गली में आज चांद निकला, आप आए तो हमारी जिंदगी में देखो कैसी आई बहार। चलो अब फैन बताओ सबको, फैन फैन फैन, ये नोज नोज नोज। तब देखो 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 देख लो, ओ देख 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 ना खुले इसके करतब देख, किसको देख रही है? पापा को। जल्दी से नोज बता दो गुल्लू, गुल्लू नोज बता दो। अब तो मासी की शादी बल्ले बल्ले ओए बल्ले बल्ले शावा शावा, मासी की शादी में जाएंगे हलवा पूरी खाएंगे। फ्रेंड्स पता नहीं मेरी आवाज को क्या हो गया, बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मास्टर शेफ ने मैक्रोनी और ये घर से बना के लेके आए हैं, सिर्फ मुझे अब यहाँ पे इसको गर्म करना है। तो निकालते हैं अपना पैन, ये देखो मैंने पैन का क्या हल किया है। एक्चुअली ना इस पर मैंने गलती से वो चला दिया था स्टील का, तो ये ऐसा हो गया, बट दिस इज वेरी नाइस। अगर आप चाहो तो ये खरीद सकते हो, इससे जितना भी ऑयल या कुछ भी होता है ना वो इजीली सारा निकल जाता है, तो मतलब वेरी यूजफुल और आई थिंक बहुत महंगा भी नहीं है ये। आप लोग इतने नए नए बूट्स जो है वो खरीद के लेके आते हैं, लेकिन गुल्लू के बूट्स देखो सबसे अच्छे गुल्लू के बूट्स है। ये मम्मा की सॉक्स है जो गुल्लू बार बार उतार नहीं सकती, तो इसलिए मैंने गुल्लू को ऐसे पहना दिया है। चलो चलो जूट की बॉटल ओए, नो 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 गुल्लू, चलो मासी की शादी में कैसे नाचेंगे जल्दी बताओ, मासी की शादी में कैसे नाचेंगे? चलो गुल्लू गिव गिव, देखो गिव के लिए क्या करते, गुल्लू गिव गुल्लू गिव
गिलगी वाओ थैंक यू लाओ दोबारा गुलगीव थैंक यू ये गुलगीव मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो गया गुलगीव थैंक यू बताओ क्या ये मैं कैसे करूं अंगूठे सेपरेट करो हो गया ये वाली उंगली सेपरेट करो हो गई ये वाली उंगली सेपरेट करो हो गई चिद्दी इसके साथ चिद्दी इंगली साथ में होती है ये वाली भी हो गई ठीक है पर ये वाली नहीं होगी कौन सी वाली ये वाली रिंग फिंगर तो हुई है तेरे जीजू की देख ये ऐसे रखना है ना प्रॉपर इसको ऐसे क्यों कर रहे हो भाई ये ऐसे रहेगा तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों के लिए गेम इसमें कौन कौन क्या क्या करेगा मुझे बताना और जो कोई कर सकता है अपनी वीडियो जो है मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना एक बार प्लीज प्लीज मेरे एक बार सब्सक्राइबर्स को बताओ क्या करना है नकुल आप ढंग से बताओ नकुल आप ढंग से बताओ मेरे सब्सक्राइबर्स को करना क्या है अच्छा ऐसे ये वाली होंगी ऐसे अच्छा ठीक है करिए आपने ओके डन यस डन अब ये वाली सेपरेट हो गई सेपरेट हो रही है सेपरेट हो जाएगी यस ये भी सेपरेट हो जाएगी ये भी हाँ और ये वाली नहीं होगी रिंग फिंगर हाँ इसका मतलब पति पत्नी साथ रहने चाहिए एक बार करियो जरा मैं भी करती हूँ हेलो गुल्लू मैं हाँ ऐसे किया फिर मैं इसका साइकोलॉजी बताऊंगा ऐसे करते हैं ठीक है हाँ इसको ऐसे किया हाँ अब रिंग फिंगर सेपरेट करो अच्छा ये की रिंग वाली फिंगर ये हो गई रिंग वाली फिंगर एक सेकेंड वो लगाए रखनी है रिंग फिंगर सेपरेट नहीं हो रही नहीं हो रही ना नहीं हो रही ना और किस किस की रिंग फिंगर सेपरेट हो गई है वो किसी की नहीं होती बना के इंस्टाग्राम पे किसी की नहीं होती पता क्यों क्योंकि ये हमारा हाथ है कहा ये हमारा हाथ है और ये जो दो फिंगर है ना इनकी बोन्स जुड़ी हुई होती है अगर एक मुड़ जाएगी तो दूसरी नहीं हिलती ओ, ओ। अब देख अगर मैं ये यूज कर रही हूँ जैसे बाय बाय जी घर में शादी है और आप इधर अरमानी आराम फरमा रहे हो पहले तो फेस पे से हटाओ भाई मैं अपना टिकट बना रहा हूँ मेरा टिकट का काम है हाँ काफी लोगों ने पूछा भी है कि भाई बंसल जी का काम क्या है आखिर हमें आज तक पता ही नहीं चला मैं लोगों को कहती हूँ कि बंसल जी यूट्यूबर है यूट्यूबर हो तुम नहीं बनेंगे यूट्यूबर अभी यूट्यूबर बनेंगे अभी बंसल जी क्या है ट्रेवल एजेंट तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी को भी कहीं की भी फ्लाइट की टिकट्स चाहिए हो ट्रेन की टिकट्स चाहिए हो और सिर्फ फ्लाइट की ट्रेन की टिकट नहीं ट्रेन की टिकट नहीं बनाना छोड़ दिया बंसल जी ने फ्लाइट की टिकट्स चाहिए और कहीं का भी पैकेज चाहिए हो और बंसल जी इसके अलावा आपको दुबई का सस्ते से सस्ता पैकेज चाहिए हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ये आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा 7982240138 आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं प्लीज़ नो कॉल्स और आप एक बार व्हाट्सअप करके आप मेरे से इंक्वायरी ले सकते हैं लेकिन जिन्होंने जाना है सिर्फ प्लीज सिर्फ वही है मजे के लिए प्लीज मत इंक्वायरी लेना जी क्योंकि अपने को क्या कि कोविड के चक्कर में ना होटल्स भी चिड़े हुए हैं तो उनको भी हर किसी को देखिए काम चाहिए आपको अगर जाना है तो आप जरूर हम आपकी मदद करेंगे पूरी से बिल्कुल और अच्छे रूटों में हम देंगे मेकअप ट्रिप से भी अच्छे रूटों देंगे कोशिश हमारी यही रहेगी बट यही कि अगर आपको जाना है तो अब मैं आपको एक चीज और बता दूं ट्रैवल का काम जो है वो बंसल जी का है और गोपाल जी का सारा ऑनलाइन काम जो है वो मेरा है गोपाल जी की ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें जो है पूजा का सामान मैं सेल करती हूँ और बंसल जी जो है वो अपना ट्रैवल का काम करते हैं और बंसल जी का साथ के साथ काम है पन्नी बेचने का काम है ना दूध दही तो अभी शायद नहीं बेचते हम पन्नी बेचते हैं हम पहाड़गंज में नीचे एड्रेस आ रहा होगा आप वहाँ पे जाके बंसल जी से मिल भी सकते हैं और पन्नी जिसने खरीदनी है अच्छा पन्नी का भाव तो बता दो एक यार पन्नी का भाव 150 किलो 150 किलो 150 किलो 150
कौन सी वाली? सफेद वाली है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं, जो जो सब्जी में मिलती है। 120 रुपए किलो। महंगी नहीं है? मार्केट में कितने रुपए किलो मिलती है? मार्केट में 150। आप 120 देते हो? बंसल जी से आप थैलियां भी खरीद सकते हो, और बंसल जी बाहर के व्यापारियों को भी थैली प्रोवाइड करते हैं। कैसे भेजते हो? बाय ट्रांसपोर्ट। तो आप कोई भी चीज़ की, कुछ भी चीज़, हमारे पास आपको हर तरीके के, हर वैरायटी के लोग मिल जाएंगे। अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड काम हो तो दीक्षा से मिले, थैली से रिलेटेड काम हो तो बंसल जी से मिले, टिकट बनवानी हो तो बंसल जी से मिले, गोपाल जी से पूजा का सामान चाहिए हो तो मेरे से मिले, अगर आपको इंटेलिजेंसी चाहिए हो, अपने आप को ग्रूम करना हो तो नकुल जी से मिले, और अगर आपको मोबाइल खरीदना हो तो आप भावेश जी से मिले। वो है नहीं ना भाई मेरा, तो मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के। तो इसी के साथ गुड नाइट, बंसल जी सो चुके हैं।